नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम आधी आबादी में। मैं हूं रश्मि और आपके लिए लाई हूं कुछ ऐसी खबरें जो होती हैं खास लेकिन रह जाती हैं सुर्खियों से दूर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम की और जानते हैं क्या है खास हमारी आज की पेशकश में। देखेंगे हमारा आज का मुद्दा, इसी विषय पर बातचीत करेंगे हमारे एक्सपर्ट से। देखेंगे मैनेजमेंट में बढ़ते स्कोप पर एक रिपोर्ट। ले चलेंगे छात्राओं द्वारा आयोजित एक पीस रैली में। देखेंगे महिलाओं से जुड़ी अपनी स्पेशल रिपोर्ट और ले चलेंगे आपको अपनी खास पेशकश की ओर। देखेंगे महिलाओं से जुड़ी अपनी स्पेशल रिपोर्ट। अब रुक करते हैं अपनी अगली रिपोर्ट की तरफ और जानते हैं क्या खास कर रही हैं हमारे देश की महिलाएं। आज ये बात साबित हो चुकी है कि हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस जरूरत है तो उनके मार्गदर्शन की। शहरों से लेकर गांव तक आधी आबादी ने खुद को साबित किया है। इसी को देखते हुए इन युवा पीढ़ी के टैलेंट को परखने के लिए ऑनलाइन क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया, जहां कई स्कूलों के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और जीतने वाले स्टूडेंट्स को प्राइजेस भी दिए गए। काफी अच्छा रहता है क्विज में पार्टिसिपेट करना और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी प्रिपरेशन क्विज के माध्यम से हो सकती है। बच्चे का इंटरेस्ट अट्रैक्ट करने में ये क्विज की जो इवेंट है बहुत ही मेरे को लगा कि बहुत हेल्पफुल है कि बच्चा अपनी रुचि से ही इसमें पार्टिसिपेट करता है और कंप्लीट करता है दूसरी टीम्स के साथ में, एंड इन द प्रोसेस द पर्सन इज लर्निंग विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बात यह है कि बच्चे को एजुकेशन मिले, वो सीखे। तो ऐसा लगता है कि ऐसी एक्टिविटी करने से एक जो एकेडमिक एनवायरनमेंट डेवलप होना चाहिए, एकेडमिक्स की तरफ झुकाव होना चाहिए, जो कि कभी कभी लगता है कि बच्चा बस याद कर लेता है और रट लेता है और उसके बाद में एग्ज़ाम पास कर लेता है, और जब वो काम पर जाता है, कहीं नौकरी के लिए जाता है या कुछ करने जाता है तो उसका इंटरव्यू होता है तो उसे कुछ मालूम नहीं होता। ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। ऑल गुड थिंग्स, ऑल चेंजेस इन दिस वर्ल्ड, मेजर थिंग्स, मेजर इवेंट्स दैट हैव हैपेंड इन दिस वर्ल्ड हैव बीन ब्रॉट अबाउट बाय यंग पीपल। सो दिस इज द जनरेशन हु हैव अराउंड 10 टू 15 इयर्स इन देयर हैंड टू डू समथिंग वर्थ वाइल फॉर देमसेल्फ, फॉर देयर फैमिलीज and for their country. So use this time, don't waste this time. इस तरीके क्विज के जरिए इन स्टूडेंट्स को उनके करियर के बारे में भी गाइड किया जाता है, क्योंकि आज जिस तेजी से डेवलपमेंट हो रही है उससे प्रोफेशनल कोर्सेज की डिमांड बढ़ी है। यही वजह है स्टूडेंट्स को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईटेक लैब्स और लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं दी जाती है ताकि इनको प्रोफेशनली ढंग से ट्रेन किया जा सके। आजकल मोस्ट ऑफ द कोर्सेज आर प्रोफेशनली ओरिएंटेड कि उनको करने के बाद, जैसे BCA कोई करता है, कोई BBA करता है, तो ये क्या है कि डायरेक्टली ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको करने के बाद आदमी में कुछ ऐसे काम करने की क्षमता पैदा हो जाती है कि कोई भी इंडस्ट्री या बिजनेस या कोई डिपार्टमेंट चाहता है तो उसके काम का सीधा सीधा आदमी तैयार हुआ मिलता है, उसको अलग से कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती उसको, तो इसलिए उसको प्रोफेशनल एजुकेशन बोला जाता है। और आजकल आमतौर पर इसी तरह के कोर्स धीरे धीरे डेवलप हो गए हैं, लेकिन उसमें भी बस ध्यान हमको ये रखना है कि वो कोर्स है, हम प्रोफेशनल बन रहे हैं कि ये नहीं बन रहे हैं ये हमारे ऊपर है। हमें एक मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है एक्सपीरियंस गेन करने की, एक एक्सपोजर मिलता है इतने सारे लोगों को सामना करने का, उनके सामने इतने कॉन्फिडेंस से बोलने का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की लाइफ में पर्सनालिटी इन अ होल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ना कि सिर्फ आपकी पढ़ाई। आज किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि आपकी ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। इसी को ध्यान में रखते हुए योग, मेडिटेशन, कल्चरल एक्टिविटीज के जरिए इनकी पर्सनालिटी तो डेवलप की जाती ही है, साथ ही इनमें छुपी सॉफ्ट स्किल्स को भी बाहर लाया जाता है। इसके अलावा प्राइजेस देकर इन्हें और आगे बढ़ने के लिए भी मोटिवेट किया जाता है। ये सारे जो फंक्शंस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इससे ना स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, वो ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करना सीखता है और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं तो बच्चों का अपना कल्चर, अपना रहन सहन और जो उनकी एक अंदर पर्सनैलिटी होती है उसको उभारने का एक प्लेटफॉर्म मिलता है, जिससे सब चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। मालूम पड़ता है जब तक कैरियर उनका तैयार होता है तो पढ़ाई के साथ साथ उनकी पर्सनैलिटी भी निखर के सामने आती है। ये सब चीज़ें ठीक से हमेशा अगर समय से होती रहें तो बच्चों के लिए इनका बड़ा यूज़ है। डायरेक्ट इंटरेक्शन करने से हमारा जितना भी हेजिटेशन होता है या हमको अगर डर लगता है सेल्फ, वो सब कुछ खत्म हो जाता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है। हर दिन बढ़ते कंपटीशन से इतना तो साफ है कि आने वाला दौर चैलेंजिंग होगा और इन स्टूडेंट्स को मार्केट में अपने आप को साबित करना होगा। ऐसे में इस तरह के इवेंट्स इन स्टूडेंट्स को अभी से इनके फ्यूचर के लिए तैयार करने में एक अहम रोल अदा कर रहे हैं और साथ ही इनके करियर को नई उड़ान दे रहे हैं।